हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन निगम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखो यार, आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम लोग रीजनिंग प्लस मैथ, यानी हमारा जो क्वांट सेक्शन होता है उसके क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले सॉल्व करेंगे। ये मान के चलो कम से कम 10 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग करेंगे, ठीक है। टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करते हैं, फटाफट में क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि अगर बस हमारा सड़क से रिलेट करती है तो रेलगाड़ी जो होती है, हमारी जो ट्रेन होती है वो किससे रिलेट करती है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते समझ में आया कि बस जो होती है वो सड़क पर चलती है, तो रेलगाड़ी हमारी कहाँ चलती है, पटरी पर चलती है, बिना किसी टेंशन के। फटाक से आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑड वन आउट हम लोगों ने इसका, इससे मेरा जो पहले से का वीडियो था वो ऑड वन आउट पे था कि इसमें किस स्पेसिफाई लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या है जो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग इसको देखेंगे, इसके डबल 17 दुनी 34 होता है, डबल से कितना ज्यादा है, प्लस 2 ज्यादा है, यानी कहने का मतलब है कि इंटू 2 है और साथ में प्लस का 2 है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 21 गुना कितना होता है, 42 होता है, 21 गुना 42 होता है तो इंटू 2 तो है, 42 से कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, यानी यहाँ प्लस 6। या तो ए आंसर होगा या तो बी आंसर होगा, डिपेंड किस पे करेगा, सी पे करेगा। एग्जाम की अप्रोच है डी, फालतू में सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं जब तक नन ऑफ दीज ना दिया हो। उसके बाद 25 गुना 50 होता है, यानी इंटू 2 तो हुआ है, डिफरेंस यहाँ पे प्लस का 6 है, यानी सी और ए, यानी ये पैटर्न सेम चल रहा है, डी बी सी पे होगा, ए को आंसर मारो, काम खत्म। ये एग्जाम अप्रोच है चेक करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी भी देख लो। 31 गुना कितना होता है, 31 गुना होता है 62, 62 और 68 में 6 का डिफरेंस होता है, यानी इंटू 2 प्लस का 6, यानी ये सब हमारे क्या एक कॉमन लॉजिक से लग रहे थे, स्पेसिफाई लॉजिक से लग रहे थे, और जबकि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो था वो अलग लॉजिक था, इसलिए ए हमारा ऑड नॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भाई देखो, मैं अभी इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो शूट करूंगा जिसमें मैं अपना आज का एसएससी सीजीएल का रिव्यू देने वाला हूं। उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मार दो, इस तरह के मुझे सर 3 क्वेश्चन मिले हैं सर, जिसमें यहाँ पे उसमें बस सीजीएल का लेवल क्या था कि क्वेश्चन दी हुई थी कि किन दो को इंटरचेंज करें कि वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, वो सीजीएल लेवल हो गया आपका। जीडी में क्या होता है, स्पेसिफाई करके दे देता है कि ये क्वेश्चन देखिए इसमें वैल्यू को पुट करो क्या आंसर आएगा, सिर्फ उतने का फर्क होता है, लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का तरीका होता है वो तो सेम ही होता है ना, इसलिए माइंड को बॉगलिंग क्वेश्चन जो होते हैं ना, दिमाग जो वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वैसे तो बचना है। देखो क्वेश्चन गलत ना करना, इसलिए प्लस हमारा मल्टीप्लाई है, बी हमारा इनटू है, सी माइनस है, और डी हमारा क्या है, प्लस को आइडेंटिफाई कर रहा है, इधर साइड स्पेस है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 24। ए हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई उसके बाद ए हमारा डिवाइड है, उसके बाद हमारा 12 है, उसके बाद बी हमारा इनटू है, मल्टीप्लाई है, उसके बाद हमारा ये 4 लिखा हुआ है, उसके बाद डी जो है वो हमारा प्लस को इंडिकेट कर रहा है, डी के बाद हमारा 6 है, उसके बाद सी जो है वो मेरा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बॉड मास हम लोगों ने सबने पढ़ा है, बॉड मास, बी ओ डी एम ए एस, ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, बॉड मास हमेशा याद रखना, बॉड मास। तो अब देखो टाइम कैसे बचाना है, डिवाइड है 12 दुनी 24 दो, 4 दुनी 8 होता है, 8 6 14 होता है, 14 में 7 घटाओगे, 7 खत्म आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा टिक। अगर तुम्हारे अंदर ये लेवल की स्पीड है तो, नहीं है तो हम चलेंगे। देखो 24 से 12 को डिवाइड करोगे, अब ये मत करना कि यार 12 से 24 को नहीं काट पा रहे, तो फिर 2 × 4 6 में 7 चाहो तो घटा लो, ना मन कर तो मत घटाना, अगर कंफ्यूजन होती है तो 4 दुनी क्या होता है, 8 होता है, 8 + 6 - 7, 8 6 14 14 में 7 घटाओगे 7। अच्छा मुझे एक सच बताना, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी लिटरली, नहीं थी ना, तो जब नहीं थी तो इसमें टाइम बचाओ, क्योंकि पेपर चाहे कितना भी सरल आता हो सारे क्वेश्चन कभी सरल नहीं आते, तो जहां पे टाइम देना है टाइम सिर्फ वहीं देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसमें लिखा है फाइंड मिसिंग नंबर, फाइंड मिसिंग नंबर देखो हमारे पास यहाँ पे तीन कॉलम और 4 रोज दिए हुए हैं, 1 question mark 535 629 108 और हमें 483 और 96 लिखा हुआ है। किसी भी एक नियमित लॉजिक के तहत, एक स्पेसिफाई लॉजिक के तहत यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को क्या किया गया, लिखी हुई है, नोट डाउन है। अब देखो
सबसे पहले प्रायोरिटी क्या बनती है? अगर ये पता आसपास किसी के स्क्वायर या क्यूब दिख रहे होते तो हम लोग माइंड में सब कुछ सोच रहे होते, लेकिन एक था 5 से 35 हुआ है तो क्या देख के नहीं लग रहा कि छोटा? मैंने नंबर सीरीज में बताया था कि जब वैल्यू छोटे से बड़े में जाती है तो पहली प्रायोरिटी हमेशा क्या बनती है कि मल्टीप्लीकेशन किसी चीज का ढूंढा जाए। एक बार सेकंड इसमें सारी टर्म लिखे उसमें चेक कर लेते हैं, 6 × 12 = 100 लग तो रहा है, एक बार जरूर चेक कर लें। 4 × 8 = 32 और 32 × 3 = 96, यानी मल्टीप्लाई ये जितने डिजिट आपको नंबर दिए हुए हैं सबका क्या चल रहा है? मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। एक इंटू अगर ये इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले, मानना नहीं है बस माइंड में मान लेना है, 1 × x और 5 = 35, यानी यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको एक तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आएगा, यहाँ पे कोई एक ऐसी डिजिट होगी इसको 5 से गुणा करने पे 35 आएगा, तो 7×5 = 35, 7 को अंदर मारो काम खत्म। ये हमारे रीजनिंग के 4 क्वेश्चन फटाफट सबमिट गए बिना समय वेस्ट करते हुए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये हमारे वेन डायग्राम वाले जो हमारे वेन क्या वेन आरेख वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम क्वेश्चन होते हैं वो है। क्या लिखा हुआ है? ये भैया वाहन लिखा है, ठीक है मेरे भाई, वाहन, उसके बाद ट्रक, उसके बाद कार। देखो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्टेटमेंट या वर्ड्स है जो कोई शब्द लिखे होते हैं उसको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना, ठीक है, आसान सी बात है। इस बात को हम लोग थोड़ा सा धीमे से समझते चलेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चन आगे जब दिखे तो आराम से कर सको। देखो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वर्ड होते हैं जो कैटेगरी होती है उसको आरेख के द्वारा यानी इन सर्कल्स के द्वारा प्रदर्शित करना। देखो ये बात तो क्या मुझे तुम्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ट्रक हो और चाहे कार हो वो सब हमारे वाहन होते हैं। अब ट्रक तुम्हारा चाहे 10 टायरा वाला हो, चाहे मोहरम भरने वाला हो, चाहे वो क्या डंपर हो, हर कोई क्या वाहन ही कहलाता है। कार तुम्हें नैनो से लेके और मर्सिडीज और ऑडी तक सब कुछ हमारे आते तो क्या व्हीकल में ही है, सब वाहन में ही आते हैं। तो क्या हम लोग ये बात समझने के लिए यहाँ समझ में आ रहा है? देखो सर कोई दिक्कत तो नहीं है, धन्यवाद। तो क्या तुम्हारे समझने के लिए, देखो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मत कहना कि सर्किल नहीं बनाई है, वो मुझे भी दिख रहा है सर्किल नहीं है। तो समझने के लिए ये बात हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा सा कोई वो है हमारा सर्किल है जो हमारा वाहन का है और इसी वाहन में हमारा ट्रक भी सेट हो जाएगा और इसी वाहन में हमारी कार भी सेट हो जाएगी क्योंकि ट्रक और कार हमारे वाहन की कैटेगरी में आते हैं। ये लो हमारा एक ट्रक, मैं ये लिख के कर रहा हूँ, वहां पर लिख के करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बस बताने के पर्पस से मेरा। तो वाहन क्या था, मेरी एक बड़ी सी कैटेगरी थी उसमें हमारे ट्रक कार साइकिल, साइकिल आती है वाहन में और क्या, हाँ साइकिल भी आती जिस चीज से हम लोग यातायात कर सके, ठीक है। तो चाहे अगर यहाँ पे बाइक लिखी होती तो भी आती, अगर मान लो तुमसे यहाँ लिखा होता कि पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रॉनिक बाइक तो दोनों आती क्योंकि भाई बात वाहन की हो रही है। जब और उच्च स्तर पे लेके जा रहा होता क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लेवल की डिफिकल्टी को बढ़ाता तो फिर हम लोग ब्रॉड लेवल पे सोचते हैं। प्लैटिना, हाँ प्लैटिना भी आएगी, प्लैटिना नैनो और जो भी ये सब आएगा, ठीक है। तो इनके चारों ऑप्शन देख लो, हमारा यही क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो डी है वो मैच कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 इसको इंपॉर्टेंट मारो, इंपॉर्टेंट क्यों मारो मैं बताता हूँ। लोग इस समय क्या कर रहे हैं, कैलेंडर और क्लॉक को पढ़ने पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए आता भी एग्जाम में, लेकिन आज के पेपर में डाइस का क्वेश्चन आया था और जिस तरह का क्वेश्चन है सामने लिखा कुछ इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। उसमें भी जो हमारे डाइस के वो होते हैं फेसेस होते हैं, फेसेस मतलब फलक जो होते हैं उसके विपरीत ही पूछा था। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये एक ही डाइस के दो वो हैं, क्या है, स्थितियां हैं, पोजिशंस हैं, ठीक है। तो एक में क्या दिख रहा है कि 5, 9, 8 दिख रहा है, उसी डाइस को दोबारा दोबारा फेंका गया तो 6, 5 और 7 दिख रहा है, ठीक है। या फिर इसको डाइस में ये कह लो कि डाइस तो 1 से 6 से होता है, यहाँ पे 8, 9, 7 भी लिखा हुआ है तो ये मान चलो कि स्पेसिफाई किसी नंबर को लिखा गया है लेकिन जो शेप है वो डाइस वाला ही है, आपका क्यूब वाला ही है, इसलिए उसको शफल करके वापस से फेंका गया है। पूछा गया है कि 9 के विपरीत क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या किया करो कि दोनों डाइस हमें जितने भी जो डाइस हैं उनके कॉमन दिखा करो, तो मैं दिख रहा है यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है तो हम लोग 5 से अगर कन्फ्यूजन होती है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यानी पहले हमारा क्या है 5 है, 5 से हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, 5 से क्या आया 9 आया, 9 से क्या आया 8 आया, ठीक कोई दिक्कत नहीं, यही काम हम यहाँ से करेंगे, 5 से शुरू करेंगे, कॉमन क्या है 5 है
पांच के नीचे पांच लिखा, पांच से क्लॉकवाइज चले, पांच के बाद क्या आएगा सात आएगा, और सात के बाद क्या आएगा छह आएगा। अब जिसका विपरीत पूछे, नौ का पूछा है तो नौ का सात हो गया, सात का पूछे तो नौ का नौ हो गया, आठ का पूछे तो छह हो गया, छह का पूछे तो आठ हो गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सातवें का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो सिक्स है, ये हमारी पजल है, ठीक है। पजल कह रहे हैं इसको, कह रहे सिटिंग अरेंजमेंट है हमारा, ठीक है। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये हमारा बेसिकली लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं कि सीधी रेखा में लोगों को बैठाने, जो बैठाने की व्यवस्था वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन होते हैं, उसके क्वेश्चन है। क्या लिखा है, छह लड़कियां एफ जी एच जे के एल एक पंक्ति में उत्तर, उत्तर मतलब नॉर्थ होता है, ठीक है भाई। उत्तर का मतलब क्या होता है, नॉर्थ होता है, नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, मुंह करके बैठी हुई है। अगर इंग्लिश में बात करें कि सिक्स, दे आर सिक्स गर्ल्स एफ जी एच जे के एल, दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रही हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि एल तथा के छोरों पर बैठे, छोर का मतलब क्या होता है, एंड होता है कि कॉर्नर पर बैठे हुए। छह लोग हैं हमारे, तो एक काम करते हैं आराम से, छह लोग के लिए हमें प्लेस बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे छह लोग हैं, इसको ऐसे बंद कर लो ताकि तुमको मालूम रह जाए कि ये दोनों आपस में छोर है, ठीक। क्या बोला है कि एल तथा के दो छोरों पर बैठे, तो अच्छा क्या तुम्हारा एल को एक बार यहाँ एक छोर पे एल को बैठा लें और एक छोर पे हम लोग के को बैठा लें। अच्छा क्या क्वेश्चन ने कहीं स्टेटमेंट ने ऐसा कहीं लिखा है कि एल हमारा लेफ्ट एंड पे बैठ रहा है और या फिर हमारा के जो है वो राइट एंड पे बैठ रहा है। जब ऐसा कुछ नहीं मेंशन है तो माइंड तुरंत कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि अगर एल के इधर हो सकता है तो दूसरी कंडीशन में के हमारा इधर भी हो सकता है और एल हमारा उस साइड भी जा सकता है, तो के हमारा एक दूसरी पॉसिबिलिटी में किधर हो जाएगा, तीन तीन छह, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी में हमारा के और एल हमारा इस साइड आ जाएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन कहती है कि एफ तथा के मध्य केवल जी है, केवल जी का मतलब क्या है कि उन दोनों की पोजीशन के एग्जैक्ट मिड में क्या है, खाली जी बैठा है। एफ तथा के, एफ तथा के मध्य केवल जी है, ठीक है, यहीं पे इधर भी आ जाओ। एफ तथा के एग्जैक्टली मिड में क्या है, हमारा जी बैठा है। उसके बाद कहा है कि जी एच के तुरंत बाई, तुरंत बाई का मतलब होता है इमीडिएट लेफ्ट में है, जे जो है वो आपके एच के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये बात कही है। अब तुम देखो कि तुम्हारे जो सिटिंग अरेंजमेंट का ऑप्शन बचा है, यहाँ पर तुमको दिमाग लॉजिक लगाना है, भाई एक ही पोजीशन खाली है, भर दो फटाक से बिना दिमाग लगाए, दोनों भर गए, दोनों सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन आंसर एक होता है। लास्ट वाली जो बात है ये मैं बताई कि मेरा आंसर कौन सा है, जी एफ के तुरंत दाई यानी राइट ओर है, तुरंत का मतलब इमीडिएट राइट है, तो एफ के इमीडिएट राइट में क्या होगा, जी होगा। इसमें ढूंढो, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है यानी पॉसिबिलिटी गई कट, एफ के इमीडिएट राइट में यानी हमारी ये जो आंसर है ये हमारी राइट पॉसिबिलिटी है। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो एल जे एच एफ जी के, ये जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बाई छोर से एफ का स्थान बताना है, बाई का मतलब होता है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से एफ का स्थान बताना है, तो क्या है फोर्थ क्वेश्चन बैठा हुआ है, ठीक, ओके, समस्या तो नहीं, किसी तरह की क्वेश्चन है। देखो इसको, इस वाली जो सिटिंग अरेंजमेंट है उससे खाली एक बात माइंड में रखने वाली है, क्या रखने वाली है कि जब यहाँ पे ये जो बात आई थी ना कि एल और के हमारे कॉर्नर से बैठे, तो अगर तुम ये सोचते हो आप बुद्धिमान है, अगर आप, लेकिन आप ये भी सोचते हो तो यानी तैयारी एकदम भाई बेहतरीन चल रही है, माइंड एकदम स्ट्राइक कर रहा है कि जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जो हमारी कंडीशन लिखी हुई है, आप पॉसिबिलिटीज को सोच पा रहे हो, ठीक है। अब हम लोगों ने रीजनिंग के सेक्शंस कर लिए, हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, ओके, ठीक है। हम लोगों ने रीजनिंग के छह सात क्वेश्चन कर लिए, हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अर्थमेटिक के, जो एग्जाम्स में के हिसाब से आते रहते हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चंस में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता 225 रुपए में कलाई घड़ी मतलब रिस्ट वॉच को खरीदता है और उसकी मरम्मत पर यानी उसके मरम्मत मतलब रिपेयर कराना, मरम्मत पर 15 रुपए और खर्च करता है, 15 रुपए खर्च करता है, यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता है तो लाभ परसेंटेज की गणना करें, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो खरीदना, सीपी का मतलब क्या होता है पता है, सीपी का मतलब होता है किसी भी चीज की, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, किसी भी चीज की जो लागत होती है। मैंने
जो विक्रेता, मान लो मैं विक्रेता हूँ, मैंने जो घड़ी 225 रुपए खरीदी, घड़ी में मान लो सेल नहीं थे, घड़ी बंद थी, मैं 15 रुपए के सेल खरीद लिया, मैंने सेल भी डाल दिए, तो ये 15 रुपए मेरी जेब से गए ना, तो मेरे लिए तो ये लागत ही हो गई। तो 225 प्लस 15 कितना हुआ, 225 प्लस 5 230, 240 जो सीपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 240 रुपए की हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। उसके बाद कहता है कि यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता है, बेचा हुआ मतलब विक्रय, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना कहा है, 300 कहा है, मैं बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, मतलब आवश्यकता नहीं है लिखने की। ठीक, बोला लाभ परसेंटेज की गणना करो, मान लो यहाँ पे लिख देता है कि लाभ है कि हानि है खुद ही बताओ, तो ऑब्वियसली बात है 240 रुपए की तुम्हें पड़ी थी, तुमने बेची 300 में, तो मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 60 पे लाभ हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस जब तक कहा ना जाए, प्रॉफिट और लॉस जब तक कहा ना जाए, हमेशा सीपी पे, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट की जाती है। मैंने एक बात बोली, क्या बोली, जब तक कहा ना जाए, कभी कभी वो एसपी पे भी कैलकुलेट कराता है तुम्हें परेशान करके, तुम्हारा निगेटिव कराने, मार्क कराने के लिए। ठीक है, तो 60 का प्रॉफिट हो रहा था किस पे, 240 पे, 100 पे कितना, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता है। 6×4=24 होते हैं, 1/4, 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है, 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25% का क्या हो रहा है, इसे लाभ हो रहा है। ठीक, उसके बाद कहता है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी जो है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 750 रुपए है, यदि क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना, मतलब इतने टाइम से, तो प्रॉफिट, तो सॉरी लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना। देखो जो भावुक होते हैं वो पता क्या करेंगे, विक्रय मूल्य 4/3 से काट देंगे इसको, 225 का मतलब 4, मतलब 1000 कर देंगे, और फिर उसके बाद लॉस परसेंटेज निकालेंगे। भाई जब परसेंटेज ही निकालना है और मुझे यहाँ से रेशियो मिल जाएगा, तो मैं क्यों एग्जैक्ट डेटा की का यूज करूँ। अगर उसने कहा होता कि कितने रुपए की हानि होगी तो हम लोग डेटा का यूज करते, नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे। उसने कहा है कि क्रय मूल्य जो सीपी है वो एसपी का 4/3 है। ठीक है, ये 3 इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मैं सीपी और एसपी के बीच का रेशियो मिल जाएगा, तो ये 3 बनाएगा, यानी ये हमारा 4/3 का हो जाएगा रेशियो। सीपी और एसपी के बीच में हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 3:4 का हो जाएगा, कि 4 कोई हमारी जो वस्तु थी वो 4 की थी, उसको 3 पे बेचा, 1 का नुकसान कितने पे, 4 पे, 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25% की होती है। ठीक है, तो हमारा 25% का क्या हो गया है, नुकसान हो गया है, घाटा हो गया है। ठीक, 25% क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, घाटा हो गया, क्योंकि हमें परसेंटेज करना था। अगर उसने एग्जैक्ट पूछा होता कितने रुपए घाटा हुआ, तो फिर हम लोग को डेटा इस 750 का यूज करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा है कि ए का 90% इक्वल है बी के 30%, तो बी इज टू ए बताना है, बी का ए से अनुपात बताना है, तो लिखना ऐसे करेंगे, 90% इक्वल्स टू बी इंटू 30%। इधर ही परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 1/100, इधर ही परसेंटेज, इधर ही परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज उड़ा दो बेटा, इधर 30 है, इधर 90, 30 90 होता है, यानी कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, दिस इज 3a इक्वल्स टू बी, तो a इज टू बी क्या हो जाएगा, हमारा 1:3 हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, और पहले ही तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो ये लिखा होगा 1:3 का, क्वेश्चन ने पूछा है बी अनुपात ए, तो 3:1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3:1, 3:1 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यार, जब इस तरह, पता है ये क्वेश्चन का कोई अर्थ नहीं है कि वो ये नहीं जानना है कि तुमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, भाई क्या ही था इसमें, लेकिन पता है वो क्या था, ये था, ये माइंड प्रेशर, आप माइंड पे भाई यार चोट कर रहा है, जैसे तुमने कैलकुलेट किया 1:3 तुमको सबसे पहले मिला 1:3 ऑप्शन में, कट से मार तुम्हें लगा सही है, भाई वो 1:1 पूछ रहा था, और सबसे ज्यादा गलती पता है कहाँ करा था, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन में, देता कुछ और है, उल्टा करके पूछ लिया, पूरे क्वेश्चन की वाट लग गई। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेशन के 10 क्वेश्चन तुमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, तो भैया बताना कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके बाद देखो थोड़ी देर बाद मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं SSC CGL का आज की जो शिफ्ट थी
उसका मैं बहुत ज्यादा नहीं 5-6 मिनट का एक रिव्यू का वीडियो में डाल दूंगा कि आगे आने वाली जो डेट्स हैं उसमें जो शिफ्ट है उसको उसमें लोग कैसे चीजों को टैकल करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।